हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल जस्ट लाइव ब्लॉग में। आई एम जस्ट्री। और आज दिन की शुरुआत एक मीठे से ही करते हैं, जैसे कि आपने थंबनेल और टाइटल से ही पता लग गया होगा मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। और आज है संडे, हॉलीडे है। आप सब क्या कर रहे हो और कैसे हो? आई होप अच्छे होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ और खुश हूँ। अब चलते हैं किचन की तरफ। आज मैं बनाने वाली हूँ सेवई खीर, मीन्स उड़िया में बोलते हैं सेमिया खीर और यहाँ पे बोलते हैं सेवई खीर। चलो भाई चलते हैं, कुछ मीठा हो जाए आज। किचन पे आ गए हैं, चलो तैयारी करते हैं खाना बनाने की। अब मैं निकाल लेती हूँ क्या क्या चाहिए सेवई खीर के लिए, तो तब तक थोड़ा वेट कीजिए। हमने 2 कप सेवई लिया है, ठीक है फ्रेंड्स। और यहाँ पे देखिए, मैंने आलमंड, 2 इलायची और किशमिश और थोड़े काजू लिया है। ये बस थोड़ा सा ही है क्योंकि खीर भी थोड़ा सा ही बनेगा। ये देखिए, 1/2 kg का दूध भी मैंने ले लिया यहाँ पे। अब मैंने कढ़ाई डाल दी है गरम करने के लिए। फिर गरम होने के बाद मैंने ऑयल डाला। ऑयल डालने के बाद हम थोड़ा सा भून लेंगे काजू किशमिश को, थोड़ा ब्राउन होने तक भूजेंगे। थोड़ा ब्राउन होने देंगे क्योंकि ज़्यादा डार्क नहीं करेंगे, डार्क अच्छा नहीं लगेगा, उसका स्मेल और कड़वा लगेगा, इसलिए हम इसको थोड़ा सा भून के निकाल देंगे। ये देखिए, किशमिश फूल जाता है अगर उसको ऑयल पे गरम करते हैं ना फ्रेंड्स, तो देखिए कितने अच्छे से फूल जाता है, जैसे हमारे अंगूर होते हैं वैसे फूल जाता है। फिर उसके बाद निकालने के बाद वो फिर चिपक जाते हैं, देख सकते हैं ये देखिए। और यहाँ पे मैंने निकाल दिया। फिर थोड़ा सा इसके बाद काजू डालूँगी, काजू को भी थोड़ा सा ऐसे ही भून के फिर निकाल दूँगी। देखिए फ्रेंड्स, आगे आगे मेरे वीडियो को फुल वॉच करिए और मज़े लीजिए और स्किप मत करना फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स, हमने एक तेज पत्ता डाला, फिर एक गुजराती भी ऑयल पे डाला है और एक गुजराती हम बाद में डालेंगे जब खीर दूध वगैरह डाल देंगे तब एक डालते हैं, अभी एक तेल में ही डालेंगे। ये देखिए, थोड़ी भूज लेती हूँ क्योंकि ये रोस्टेड पहले से ही है, ये सेवई पहले से ही रोस्टेड है, बट फिर भी थोड़ा सा उसका घी का स्मेल लाने के लिए उसमें मैंने थोड़ा और डाल दिया सेवई, और उसी को थोड़ा फ्राई कर लेंगे घी पे, क्योंकि पहले से रोस्टेड हो जो हो के आता है वो अच्छा मतलब लगता नहीं है स्मेल, तो स्मेल लाने के लिए मैंने उसको थोड़ा सा और भून लूँगी। रोस्ट करने के बाद बहुत अच्छा लगेगी, मतलब टेस्ट लगता है, स्मेल अच्छी आती है घी का। Thank you.
ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा सेवई खीर हो गया है। मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ। ये देखिए कितना अच्छा बना है ना गाइस। और ये गाइस बोलना मैं भूल गई, अगर आप खीर बना रहे हो तो थोड़ा सा नमक, सॉल्ट होता है ना, नमक जो बोलते हैं, उसको थोड़ा ऐड करना ज़रूरी है, क्योंकि फिर मीठे में डालना ज़रूरी है, क्योंकि वो थोड़ा सा खारा फोन सा होता है ना, वो नहीं रहता है अगर नमक डालो तो। ये ऐड ज़रूर करना, बहुत अच्छा लगेगा स्वाद। ठीक है गाइस, ये देखिए हमारा रेसिपी, आपको कैसा लगा मेरा रेसिपी फ्रेंड्स? हाय फ्रेंड्स, देख लिया ना मेरे सेवई की रेसिपी। अभी मैं चलती हूँ रोटी बनाने, और रोटी के साथ सेवई की मुझे बहुत पसंद है। आपको देखना है रेसिपी, अगर देखना है मैं तो अभी बनाने वाली, चलते दिखा लेती हूँ, वो भी रोटी भी दिखा लेती हूँ। चलो किचन में ही हूँ। ठीक है फ्रेंड्स।